आदरणीय समाजसेवी श्री गोलाम मतोजिया जन प्रधान के चर्चित चेहरा श्री निर्मल चौधरी के एक वर्ग अगड़ी बढ़े एक घोषणा भेटे आ सहमति भेलै जल कल्याण प्रतिबद्धता पत्र है लेकिन सामूहिक संयुक्त अपने सम्मान देवे सबसे सच्चा आग्रह करे छे किया त दोनों गोटे आ ते किसी सगाड़ी भला सती ना संजोग से नियम सबसे आग्रह करे छे एता हमने कहल छे जे बहुत गण्य मान्य व्यक्तित्व लोग हैं संसार के भी मित्र लोग हैं अग्रस लोग हैं सर नेपाल गोताखा महासंघ धनुषा शाखा जे जन ई जल कल्याण प्रतिबद्धता पत्र मेयर पद के उम्मीदवारी के जो घोषणा की छी स्वतंत्र उम्मीदवारी के वही सिलसिला में अब हमारे एक जन कल्याण प्रतिबद्धता पत्र तैयारी करे आई ओ घोषणा कर जा रहा है कैला कि चुनाव अब नजदीक आ गए 30 गते अके लगर प्रतिबद्धता जो है से अपने सबके एक एक प्रति सब जब कोई के हाथ में पुगे गेल छै अही के एक टा देखब और अही अनुसार हम काम करब हम ये संकल्प लगाएल छी जे ई प्रतिबद्धता जे पत्र तैयारी छै पैसा स्रोत के व्यवस्था होते तो और बहुत कुछ भी भ सके है पहले तो सब चीज के लेल आर्थिक स्रोत जुटनाइ जरूरी है ई नगर पालिका के बजट से ई सब चीज संभव नहीं है अब ओते निर्माण काम सब कर के छै ओते वार्ड सब के बिचल्ली हालत छै गांव गांव में देखियो जे ओते दिन में हम करीब 15-20 दिन से जे घूम लिए जे अवस्था देखे छी गांव सब के जीर्ण अवस्था छै कहल लागी उप महानगर पालिका लेकिन दशा जे देखे छी तो माया लग और शहर में भी हम बहुत काम कैली उ शहर वो उप महानगर पालिके सब छै वही के अवस्था देखे तो हमर जनकपुर वासी के तो शायद हम सब अपने आप के कते अभागी छी महसूस कर रहल छी ई चीज सब के देख नहीं सकली हम एक कंस्ट्रक्शन से जुड़ल आयल 30 वर्ष के एक्सपीरियंस के आधार में हम एक जनकपुर के कुछ कह सके छी से एक हिम्मत कह के हम यह मेयर पद के स्वतंत्र उम्मीदवारी दिली आ जरूर हम कुछ कह सकब अ के लेल कि हमर जे निर्माण कंपनी से जुड़ल आयल छी उ अनुभव के आधार में शायद ये काम सब बहुत मिट करते आ जे आइटम सब जे मिट नहीं कर वाला होते तो वही के लेल तो हम विद्वान कमिटी गठन करबे करब एक सलाहकार कमिटी जे कहे छै विद्वान सब के हम 25 बोरा के मिनिमम प्रत्येक विषय के दू दू जा विद्वान सब के हम नियुक्ति कऽ के उनका सुन के राय सलाह लैत प्रत्येक वार्ड में की समस्या छै कौन कौन विषय में शिक्षा स्वास्थ्य सांस्कृतिक और खाने पानी बिजली रोड विभिन्न आइटम सब जे छै कथी कथी समस्या छै मिनिमम आवश्यकता जे जरूरी छै ओहि के पूरा करे के लेल की सब छै वह विद्वान सुन से सलाह लैत अपन प्रतिबद्धता हम जे है से पूरा करब वही अनुसार हम वार्ड वार्ड में विजिट करा कर एकटा उनका सबके पारिश्रमिक द कर और एक कंसल्टेंट टीम हायर भी कर कर वही अनुसार से हम प्रत्येक वार्ड में परिचालन करब अब 6 महीना लगे 8 महीना लगे सब वार्ड में परिचालन कर कर आ सबके डिटेल एस्टिमेट डिजाइन ड्राइंग सब चीज हम पहले कंप्लीट करवाए आ वो कंप्लीट कर कर आ वह डिजाइन ड्राइंग और फाइल के ल कर 25 वार्ड के संकलन कर कर सबके एक एक जगह जे है से प्रत्येक विषय के अलग अलग फाइल बना कर हम जे है से अब विकास मंत्रालय सुन जे जिंदगी से जिंदगी में सब मंत्रालय से विकास मंत्रालय से हमू एक जुड़ले आयल छी आ वो एक्सपीरियंस हमरा लग है वही के आधार में फाइल बोलते अब बिना फाइल के बजट किनको जोड़े मांगब तो कोनो मंत्रालय जल्दी नहीं दै छै सबसे प्रॉब्लम की भाई छै ती 25 वार्ड में अतेक प्रॉब्लम सब छै वही के ज्यादा डिटेल में डिजाइन ड्राइंग के करे नहीं चाहे छै जे हो कार्यालय सबके संबंधित मंत्रालय कार्यालय के आदेश जे देत वो कार्यालय में अतेक उनका सबके प्राविधिक सब अतेक नहीं छै
या अपने जे जे जनरल जे उनकर सबके कारोबार है वही के बाहर ये सब ध्यान नहीं दिए सके छे। और उनका सबके यह कारण से ये सब चाहतों में भी नहीं करो चाहत रहे छे। अब यदि हम ये काम सब हम पूरा कर के फाइल तैयारी कर के दिए तो उनका सबके तो एक दूसरे आनंद देती कि मंत्रालय सबके और वही आधार में हमारा बजटों आज की कि 5-7 अरब बजट कोनो भारी बात नहीं है। हम 5-7 अरब के योजना हम बनाए जे मिनिमम आवश्यकता है से एक बार ये नहीं कि एस्टिमेटे बनावे लगली ताकत छूने गरी उतर नहीं होते। देश के अवस्था देखें और अपना मिनिमम नगर पालिका के और वार्ड सब के आवश्यकता देखें वही अनुसार के डिजाइन एस्टिमेट ड्रॉइंग हर एक शीर्षक में कोनो भी चीज़ के छोड़ब नहीं में चाहे सांस्कृतिक विकास होए चाहे अपन स्वास्थ्य के होए शिक्षा के होए विज्ञान से एक सलाह ले अपन प्रतिबद्धता जनबे आ उस सब फैल तैयारी करके वही अनुसार बजट के हम एक व्यवस्था करवाए आ वही अनुसार टेंडर होते टेंडर मंत्रालय विभाग कार्यालय अपने करे आ जै तरीका से करे हमारा काम से मतलब है वही तरीका से काम होते तो शायद कोनो बड़का प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक ला सिस्टम से नहीं कुछ चलेला से ये चाहे दुर्दशा हमारा सबके भ रहा है हम ये अनुभव के लिए आ ये फोहर महिला ये सब जो है आसानी बात है। फोहर महिला में तो हमारा कोनो एक्स्ट्रा ढौआ लगे वाला हम अवस्थे नहीं देख रहा छे। फोहर महिला में सब सेंट्रलाइज करके अभी तक रखने चल अपन स्वार्थ के चलते सेंट्रलाइज के कहना मतलब स्वार्थ हमारा स्वार्थे नहीं आवा तो हम कला की सेंट्रलाइज करब ये चीज 2500 वार्ड में जो फोहर महिला के व्यवस्थापन के जिम्मा दे देवे तो कते आनंद से काम होते। आ उनको सबके हम ये कहबे कि जगह जगह पर टोल सुधार कमेटी गठन करू उ कमेटी के काम की होते जन चेतना अभियान भी उनके सबके मार्फत होते घर घर के फोहर जमा कर कर एक भाड़ा में संकलन कर कर रखू आ उ फोहर महिला एक सिटी बजा बजा कर ट्रैक्टर अत 100-200 रुपया टैक्स ले कोनो ज्यादा नहीं छे 10 कप चाय के पैसा है उ टैक्स सबते नेपाल भर में नहीं चले छे। तो उ चीज सब कर कर आ एक ट्रैक्टर में संकलन कर कर फोहर सब जब तक लाइन फिल नहीं आयल हब लाइनो फिल के उतने समस्या आव प्रथम ग्राहता में हमारे लाइन फिल साइड रह जब अब वहू के लिए 2-3 वर्ष लगत जब तक लाइन फिल साइड नहीं आत तब तक वो फोहर महिला के बस्ती से यानी कि नगर पालिका से कहीं चौड़ी में बाहर बाहर कोनो एहन 5-7 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन भाड़ा में ले आ वही के चदरा से घेरब आ वही घेर के वही भीतर में फोहर महिला व्यवस्थापन करब जे ट्रैक्टर से संकलन भेल रह से सब उ कते दिन बेसी दिन वो रख नहीं मिलते वही से टिपर में उठा कर कोनो नदी नाला दूर हम लग जाए जे कि बस्ती से बाहर आ वही जे है से जे खरौड़ी सब हो एरिया में वही बड़का खाडल खनवा एक्सावेटर से खाडल खनवा कर आ वही में हम फोहर महिला स्टॉक करब आ उ भर जा वही खनल मार सब पूर दे फिर दोसर कर्म से तेसर एना ही खाडल कने ये कब तक जब तक लाइन फील्ड साइड 2.5-3 वर्ष तक लगत तब तक के लिए फोहर व्यवस्थापन आसानी से भ सके ऐसे एक तक की हो 50% मच्छर तो ओना ही दूर भाग जाए और बाकी 50% मच्छर जे छे 2-3 बेर स्प्रे साल में करबे तो फाला फाल छे। अब कतनो 100% मच्छर तक कंट्रोल नहीं भ सकत के लगी जे पोखरी सब छे दुनियादारी सब छे तो वही के लग 10% जरूर रह लेकिन 90% जो मच्छर कंट्रोल भेल तो अपन जनता सब एक चैन के निंद्रा तो सुता पाए तो ये लग ये चीज सब कोनो मेजर चीज नहीं है। अब कथी लागे नहीं ऐसा पहले ही सब मेयर साहब सब कैलक जै में स्वार्थ है वही में अगाड़ी बढ़ल जै में स्वार्थ नहीं तै में सुनी छी बजटो लेफ्ट कर कर वो ने छोड़ देने आवे तो ये सब कारण है एकटा रीजन के है स्वार्थ जै स्वार्थ हो तो ये विकास नहीं हो जै निस्वार्थ काम करबे वही जा आसानी से विकास हम अहाँ कह सके छी ये कोनो बड़का समस्या नहीं जै खरब के योजना सब हम सम्पन्न कर के अली तो ये 5-7 अरब 10 अरब के प्रोजेक्ट हमरा लेल कोनो भारी बात नहीं है। हमू एक की बुझी छी अब राजनीतिक साथी सब की कहे छे इतना राजनीति वाला सब मात्रे कह सके या कि एक नगर पालिका राजनीति अखाड़ा है उनका सबके जगह तो है नहीं संसद है सभासद है उ सब अपना नियम कानून सब देश के लिए बनाबो उनका सबके थलो तो उचित है लेकिन हम नगर पालिका के एक की बुझे छी ई एक विकास संस्था है सामाजिक संस्था है सामाजिक संस्था में एक कह रहा इंडियो में देखू
कोनो पार्टी बेसिस में चुनाव नहीं होइ छै। स्थानीय चुनाव जे है पार्टी बेसिस में नहीं होइ छै, एकटा व्यक्ति बेसिस में होइ छै। तो नेपाल में किए नहीं भ सकै छै, आ ये राजनीतिकरण किए। हमरो आइयो इंटरव्यू में कहे तो ठेकेदार आदमी, ये समाज सेवी आदमी जो न समाज सेवा करो, और में कथी लागे नगर पालिका में राजनीति अखाड़ा में तो में घुस ले एहनो भी क्वेश्चन आई। तो हम ये जवाब दिली, अहाँ सब जाओ ऊपर, हमरा नीचा छोड़ दू, ऊपर जाओ सभासद संसद में सैल्यूट ठोकब, अहाँ सबके कानून बनाओ, सब कुछ विजन लाओ, कार्यान्वयन करो वाला नगर पालिका एक सामाजिक संस्था है, ऐके हमरे संसद आदमी के जरूरी है, अहाँ संकल्प के जरूरी न है। तो वह सब कहे हम एक संकल्प लगाएल छी, हमरा स्वार्थ कुछ नहीं हवा, कुछ नहीं लेब। एक देखियो 1.5 करोड़ के गाड़ी किन कर केहन बिजोग बनेने छे, वो गाड़ी हम नहीं चढ़ब, हमरा गाड़ी भगवान देने हब, वैसे बनिए गाड़ी देने हब, हम उस सुविधा नहीं लेब, अपने गाड़ी हम चढ़ब। पूरा 5 वर्ष अवधि में अपने सब जिता के देवे तो वह अपने गाड़ी हम प्रयोग करब, हम नगर पालिका गाड़ी प्रयोग नहीं करब। रह गए तलब भत्ता, तलब भत्ता हमरा कते महीना में 1 लाख रुपये महीना होत, वर्ष के कते 12 लाख होत, वैसे बेसी तो हम दान पुण्य करी छी, हमरा की स्वार्थ, हम वो दान पुण्य में दे देव, वृद्धाश्रम सब में धार्मिक संस्था सब में वो पैसा जे आए तो वो हम दान पुण्य में जाए, ऐसे पहले वो कुछ दान पुण्य तक करते आए थे। हमरा कोनो लोभ नहीं हब, अपने सब एक बेर अवसर देवे तो जरूर हम विकास करके देखाए। वो अब ऐसे पहले के ये टुकड़ा टुकड़ा काम करके जना प्रसादी बटे ते हिसाब से टुकड़ा टुकड़ा कोनो कोनो काम वही वार्ड सब में अनुहार देख देख कर कोनो टुकड़ा टुकड़ा विकास भेल छै। वो अपन अपन आदमी जे हब तिनका सुन लो विकास हब, आ जरा निम्न वर्ग है तेरा सुन के अन्याय भेल छै। हम गाँव में बहुत घूमली, अन्याय भेल छै निम्न वर्ग के, वो हम आब अन्याय नहीं हो देव। पहले निम्न वर्ग के जे आवश्यकता मिनिमम है वही चीज में हम फर्स्ट ग्राह्यता देव, आ उनका सुन के लक हमरा एक नाश के सम्मान व्यवहार, चाहे धनी हो गरीब हो निम्न वर्ग हो, सम्मान व्यवहार ककर एक नगर पालिका के और वार्ड के विकास एक नाश के हिसाब से हम ककर अगाड़ी बढ़ब, से संकल्प लक हम आयल छी। अब में अपने सब साथ देवे जरूर तो हम बहुत कुछ करबे। ये कहे हम दू सब ये खत्म करे छी, और ये जन कल्याण प्रतिबद्धता पत्र जे छै अब हमर तो बनायल है, पहले से कनी एक्सरसाइज भले हमर उपमेयर साहब अभी अला, बाद में कनी अब लास्ट लास्ट में अला, अब हम उनका लॉ का किएक चलली। हमरा एकेटा कारण छै कि जतेक उठल छल हम ये दिन देख के छल कि के सब उपमेयर में उठल छै, यदि पार्टी के से हमरा कोई जे चुना के जे आए तो हम एक स्वतंत्र व्यक्ति एक निस्वार्थ व्यक्ति उपमेयर तो हमर दहिना अंग रह, उनका से काम लिए में हमरा ठहर हो, कैला भी वो पार्टी बेसिस के आयल रह तो पार्टी तरफ का निस्वार्थ रहत उनकर। तो हम तो स्वतंत्र विचार के छी, हमरा कोनो स्वार्थ विचार नहीं हुआ, तो उनका सुन जो रे काम करे में कुछ कठिनाई होत कि ये सब मनन करे, हम देख ली कि स्वतंत्र में के सब छे, इनको नाम देख ली वही स्वतंत्र में है, तो हम वो तक स्वतंत्र में 2-3 आदमी उठल छल, तेमें इो बेचारा समाज से भी तो जनकपुर में इनको बहुत देन है, जनकपुर में उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष अब सलाहकार सब सब होते आयल हब, और एक मारवाड़ी सभा समर्थक के सभा समिति के एक अध्यक्षो भेल व्यक्ति, सामाजिक लाइन में इो बहुत बहुत अगाड़ी है, कते चीज इनको से बहुत हमरा सीख पड़त। हम तो निर्माण काम में आज विकास काम प्रेमी तो चित्ते छी, ये दुनू को हाथे माला क के जे चलब तो जरूर हम ई नगर पालिका के उपमहानगर पालिका के कुछ करब, से विश्वास करें उनका से हम हाथे माला क के एक संयुक्त आ संजोग देखिए दुनू के क्या में छाप भ गए केहन जोड़ी मिलने, ये जानकी माता के कृपा है जे कि हम आम छाप रोजली उनको आमे छाप मिल गए। तब एक पॉजिटिव पक्ष ये है वोटो मांग में सजिलो भले हमरा सबके दुनू मित्र रहो भाई, हम दाजू भाई दुनू मिलकर जे चलाए तो जरूर हम सब सफल हो, अपने सबके सपना जे है जनता के सपना जे है नगरवासी के वो हम पूरा करब, से हम एक जानकी माता से संकल्प लग आयल छी, वही के अपने सब सहयोग कर देवे। अब पत्रकार बंधु सब से एक विशेष अनुरोध, ऐके बेसी घुमाव सुमाव नहीं लागत, ऐके घुमाव लागत तो हमरा कनिक डिस्टर्ब भाय छै, ओते डिस्टर्ब नहीं करब, माहौल बना दिया कनिक एहन उमंग क दिया जे कि काम करे में मन लागे।
अइमे अब राजनीति हम जने नहीं छी, अब राजनीति भाषा सब में अहाँ सब घुमा कर लो जाए तो हमरा भय रात नींद नहीं हो। हम कथी गलती कैली जे कि एना एना हमरा लिखैया, वही में टाइम दिए से बनिया हमरा एक काम कर के अवसर दिया। हमर विनम्र अनुरोध अपने सबके ये, हम एक समाज सेवी आदमी छी, हम राजनीति कर नहीं जनै छी आ न करब। वही के लगे पाँच वर्ष हमरा अवसर देव तो जनकपुरवासी के बहुत कुछ करब। ये कह हम अपन दू शब्द ये खत्म करे छी। आ हमर मित्र निर्मल जी के जे हम कल्याण प्रतिबद्धता पत्र छै पढ़ के कनी सुना देवे अपने ही तो अपनहू के अंश में जुड़ जाए, यह हमारा आग्रह थे। आउटरो रिंग रोड जे है ना, यो चर्चा के विषय है। वही से तो हम कहलिए ना सलाहकार कमिटी गठन करब, सबसे आइडिया लेब की संभव है, की संभव है। वो सलाहकार सब हमरा जे कहत आ देत आइडिया वही अनुसारे के हम मापदंड सब बनाए, वही मापदंड रह के भीतर में आ प्लान करब। धन्यवाद बलदान साहजी। राष्ट्र हम उप मेयर पद के स्वतंत्र उम्मीदवार छी, हमर छाप आम छाप छी। जनकपुर धाम के समग्र विकासक लेल हमर उम्मीदवारी कह के वही सोच के संदर्भ जब हम देखलिए और भी मेयर के उम्मीदवार के बनिस्पत हमरा बलराम महतो जी के साथ जाय में कोनो कठिनाई नहीं होते, तै तहत हमर सबके जनकपुर धाम के समग्र विकासक लेल गठबंधन बलराम महतो मेयर में, निर्मल चौधरी उप मेयर में, छाप आम छाप के गठबंधन छै। आइ हमर सबके सोच की छै, हमर सबके विचार की छै, हम सब की करय चाहै छी। विभिन्न वर्ष से अहाँ सब घोषणा पत्र के माध्यम से हरेक उम्मीदवार के हरेक पार्टी के घोषणा पत्र के माध्यम से प्रतिबद्धता सुनैत आबि रहल छी। आइ हम सब घोषणा पत्र के रूप में जन कल्याण के लोककारी कार्यक्रम के लागी प्रतिबद्धता पत्र लेली। कहै छै वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। तै लेल ठग ठगैती के धंधा करय वाला के प्रशय नहीं द के विकास करय वाला के प्रशय देवे पड़े, स्थानीय निकाय के पीड़ा से जुड़े वाला के प्रशय देवे पड़े। हमर बलराम दादू कहै छथिन हम राजनीति नहीं करै छी, लेकिन सामान्य मनुष्य सामान्य लोग हरेक लोग के राजनीति करूँ चाहे नहीं करूँ राजनीति बुझे जरूर। बलराम जी जै स्टेज पर छथिन जे निर्माणकर्ता के रूप में संपूर्ण नेपाल में एक नंबर के कंपनी रमन कंस्ट्रक्शन कंपनी छे, ओकरा अ रूप में लावला बिना राजनीति के तै आ नहीं सकै छे। अइ रूप में स्थापित करला एहन पैघ राजनीतिकर्ता से उनकर संबंध छै, वो संबंध के फायदा उ चाहे छथिन समाज के मिले। राजनीति नहीं बुझे छथिन से बात नहीं छे, संपूर्ण राजनीति के बुझे छथिन। आ राजनीति कत से परिचालन होइ छे, राजनीति के पावन पॉलिटिक्स शक्ति, आ राजनीति में अगर संतुलन नहीं होती तो विकास के काम आगे नहीं बढ़ सके छे। तै से वो वही जगह पर बैठल छथिन जत से 5-7 अरब नहीं 50 अरब रुपया लाइब सके छथिन जनकपुर के विकास के लिए। वही धारणा के मन में विचार करें तब हम संकल्प कैली कि नहीं हम बलराम महतो जी के नेतृत्व के स्वीकार करें, उनका साथ हम आगा बढ़ब। वही क्रम में संजोग माता जानकी की कृपा कहबे कलगिन, माता जानकी के कृपा की रूप के सब रस चूस के आम के रूप में हम सब प्रस्तुत भेल छी एठा। तो आम आई सीजन में आमो बहुत फरल है, जै रूप से आम डबल रूप से फरल तै डबल रूप से अपने सब हमरा सब के एजेंडा के हमरा सब के विकास के प्रतिबद्धता के साथ ल के वही अनुरूप मत दिवा दे, अमूल्य मत के मतदान करवा दे से आशा करे। ई प्रतिबद्धता पत्र में खास कर बलराम जी के जे
आ बलराम जी के नहीं मात्रे निर्मलो चौधरी के प्रतिबद्धता अमे साथ में छे। खास कर हम बेसी एक डिटेल नहीं अति करब कल कि अहाँ सबके हाथ में आबि गेल छै। खास कर बलराम जी के विगत 5 वर्ष के अनुभव के आधार में मेरो प्रतिबद्धता कि खास कर जब ADB के काम में संलग्न भेला जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में तो जनकपुर धाम के समग्र विकास के बारे में इनका जानकारी भेली कि कत कत आप तैयार हो की चीज निर्माण कैला से समग्र विकास भ सके छे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साफ सफाई के क्षेत्र में, प्रदूषण के क्षेत्र में, महिला विकास के क्षेत्र में, युवा विकास के क्षेत्र में, रोजगारी सृजना के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में केना एक एकीकृत विकास भ सके छे। ते अनुरूप ई एजेंडा सबके आगा लैला हम अपने के सुशासन के माध्यम बाट शासन नीति तथा कार्यान्वयन बीच को दूरी हटाने आर्थिक अनुशासन को पालन को प्रतिबद्धता करते भ्रष्टाचार एवं अपराधी प्रवृत्ति हटाने प्रक्रिया को शुरुआत करने छु। मो नगर को निर्माण करने प्रतिबद्ध छु जहाँ प्रत्येक जनता का आवश्यकता जस्ते उप महानगर बाट प्रदान होने सभी प्रकार का सेवा प्रभाव अवस्था में सुधार करते गरीबी सड़क खाने पानी शौचालय बाल बालिका को लागी गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा रोजगारी के अवसर धनजन को सुरक्षा मच्छर आतंक मोहर फोहर मैला व्यवस्थापन नगर क्षेत्र भित्र सहज यातायात तेसरो लिंगी असहाय अपांग गरीब दलित एवं अति विपन्न समुदाय को बहुपक्षीय अवस्था में सुधार एवं सम्मानजनक व्यवहार को लागी विशेष प्रयास करने प्रतिबद्ध छु। कई कर इनकर हमर सामूहिक एक हमसब एडॉप्ट कैने में देखने होंगे बाया साइड में विभिन्न जगह से जे काज के लिए अपना लगे इनका सम्मान स्वरूप विभिन्न जगह से सम्मानित कर काज करे वाला के जब सम्मान हो तो उनका उत्साह और बढ़े वही क्षेत्र में काज करे के तेनाते समाज कल्याण का क्षेत्र 70 वर्ष नागे का ज्येष्ठ नागरिक लिए निःशुल्क दुर्घटना बीमा असहाय तथा विपन्न परिवार का उमेर खुले का बाल बाल बालिकाओं को लगी सामूहिक विवाह कार्यक्रम का व्यवस्था मिलाने व्यक्तिगत घटना दर्ता हाल लिदे आएको दस्तूर में छूट गरिने छ जस्ते जन्म मृत्यु विवाह दर्ता बसाई सराय संबंध विच्छेद लगायत अन्य सिफारिश ज्येष्ठ नागरिक क्लब भेटघाट स्थल को व्यवस्थापन मेयर कल्याणकारी कोष को स्थापना शिक्षा क्षेत्र जे इस क्षेत्र के लागि बहुत जरूरी है खास कर महिला शिक्षा क्षेत्र में बाल बालिका के शिक्षा क्षेत्र में हम शॉर्टे में अब कम शॉर्टे में जाए कल बुंदागा तो अपने सबके हाथ में चल आयल जेना शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न बात सब है खास कर जे चीज के बेसी हम सब फोकस कर बाल श्रमिक लिए विद्यालय पठाऊन बाल श्रमिक परिवार वाला आय अर्जन का लगी 25,000 अनुदान का लगे विभिन्न संघ संस्था तथा संस्था संगे समन्वय करने और बात सब है सामुदायिक विद्यालय को भौतिक पूर्वाधार अनुगमन मर्म संवाद संचालन व्यवस्थापन इतिहास लोके को सरस्वती मावी कन्या मावी जानकी मावी ज्ञानकी मावी को संरक्षण एवं संरक्षण के लगे विशेष प्राथमिकता देने जेना एकटा 2004 साल में सरस्वती हाई स्कूल के स्थापना भेलै 2007 साल में कन्या स्कूल के स्थापना भेलै जब 4 साल में सरस्वती हाई स्कूल के स्थापना भेलै तो उ कन्या मावी के स्थापना करे वाला उनके परिवार के एक महिला छथिन जे कहलकै तू सब खाली पुरुष के लागि स्थापना करै छै तो महिला के लागि कैला नहीं स्थापना करै छै तो सकलदली देवी उनकर नाम छलै उनके नाम से स्कूल छै लगन शाह के श्रीमती प्रकाश जी हमर जे छथिन समाज सेवी उनकर दादी उ कहलकै तू सब खाली पुरुष के लागि स्थापना करै छै महिला के लागि छुट्टे करे पड़तौ उनके प्रेरणा से ओ स्थापना भेलै अभी हम सब तत्काल तुरंत अभी हम सब रोटरी क्लब से ओमे 12 लाख रुपया के खाने पानी टाटा सुलभ शौचालय के प्रोग्राम अभी संपन्न कैलिए तेनाते स्वास्थ्य क्षेत्र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बहुत किस्म के प्रारूप सब एठम बदलत जा रहल है लेकिन अवस्था गंभीर छै ओहिठाम के व्यवस्थापन पक्ष में त्रुटि छै सेहो सबके सुधार करे स्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र के सुविधा सब प्राप्त होए जनमानस में तेकरा लेल जेना क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बात छै ओकरा केना वेस्ट मैनेजमेंट के केना जे प्रबंध मिलाएल जाए
खोर मेला व्यवस्थापन एक चुनौती के रूप में हमरा सबके देखाई पड़ रहा है संबंध में। आ खास करके मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम जे पर्यटन क्षेत्र के सबसे बड़ा अगुवाई करे वाला क्षेत्र है। ओना तो कहबे सप्तरी सप्तरी के छीन मस्ता सिरा में अबे सलेश धनुषा में अबे जानकी माता छथिन, एमर बारह में जाए गढ़ी माई छथिन, ओमर परसा में जबे तो गहुआ माई छथिन, तो माइए माई से भरल क्षेत्र है। ऐसे जानकी माई के क्षेत्र है, तैसे चारों तरफ माइए सबके बसोबास है, तो माई के कृपा तो होबे के चाहे, तैसे महिला सबके भी कृपा अं क्षेत्र में छे, तिनके प्रतिनिधित्व तो हमू सब कर रहा है। मिथिला संस्कृति प्रबंधन के लागे जनकपुर धाम को विशेष परिकार व्यंजन तथा मिथिला भोजन प्रचार प्रसार के अभियान मिथिला व्यंजन के एक टीम बहुत जगह जा जाके अमेरिका विदेश सब में भी जाके मिथिला व्यंजन के प्रचार प्रसार कर रहा है। हमू सब कहे विभिन्न संघ संस्था जो कार्यक्रम कर कोनो न कोनो रूप में मिथिला व्यंजन परोसू अ जना हम उद्योग वाणिज्य महासंघ में करी चलिए जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ में करी चलिए तो भोरे के चावल के पूरी या तरकारी हम अवश्य खियबे चलिए पाहुना सबके कि ई मैसेज जाए कि हमर सबके नाश्ता की हम सब खाई छे। तै तरफ विशेष फोकस है कृषि तथा कृषक उत्थान क्षेत्र कृषि क्षेत्र अं प्रदेश में कहे भूमि सबसे बेसी है, भूमि सबसे बेसी है, कोई भूमि के सदुपयोग केना हो तब भूमि के सदुपयोग के लागी सबसे पहले कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सब्सिडी की आवश्यकता है। सब्सिडी के माध्यम से आजकल कहे आदमी कम है तो मशीन बेसी काम करे वही टाइप के मशीन सब आ गए थे, तो हम सब सरकार से अनुरोध करें कि विशेष से विशेष सब मशीन में सब्सिडी दकर कृषि क्षेत्र के पूर्ण रूप से आर्थिक क्षेत्र के रूप में प्रवर्धन करे के लागे। गरीबी तथा रोजगारी का क्षेत्र अं क्षेत्र में क्रियाकलाप केना बढ़वा के जेना अठाम के युवा सऊदी अरब सब में जाके वही 50 डिग्री के धूप में काम कर का अपन जवानी वहीठाम बर्बाद करी छथिन, घर पाल घर के बाल बच्चा के महिला के पालन के लागी अपन 30 वर्ष 40 वर्ष अपन जीवन वहीठाम व्यतीत करे छथिन, 50 वर्ष के उम्र में अपना घर में अबे छथिन, तब तक कुछ नहीं रहे छी बचल, सारा जीवन उनका बर्बाद भ गेल रहे छै। तै तक भी फोकस कल गेलिए सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण एवं प्रबंधन क्षेत्र। सार्वजनिक संपत्ति कह के मतलब अठाम के मठ मंदिर के जे संपत्ति सब बिक्री वितरण भ रहा है बिना नगरपालिका के सिफारिश से बिक्री वितरण नहीं हो तै तरफ कोई भी सार्वजनिक संपत्ति के भ्रष्टाचार नहीं हो तै तरफ हम सब सजग रह वही संपत्ति के संरक्षण करब से मनसाय के बात हम सब कह। सूचना तथा संचार क्षेत्र जो अहाँ सबसे जुड़ल है अं में अहाँ सबसे और सहकार्य करके हम सब जो एजेंडा ले लिए ओकरों में सहकार्य करके और अपना परिमार्जित करके हम सब आगा बढ़ब। जेना विपद व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन कुछ ना कुछ होते रहे कहियो आग लागी हो कहियो बाढ़ पीड़ित हो जेना भूकंप भ गए चाहे कोरोनो भ गए यो विपदे एक व्यवस्थापन के लिए हम सब जो कार्यक्रम रखने छी भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र के विकास केना कैल जाए, युवा तथा खेलकूद क्षेत्र के विकास केना कैल जाए, कैला कि नगर पालिका कहे छे खेलकूद आइकाल्हि कहे छे मेयर कप उपमेयर कप ओके एकदम मतलब मॉडल में बना के केना कैल जाए जैसे अठाम के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के युवा युवती के विकास हो तै तरफ फोकस कैल गेल छे। तेनाहिते सबसे बड़का चीज छै सुशासन, सुशासन संयंत्र एवं प्रशासनिक सुधार क्षेत्र। सुशासन के अनुभूति हरेक जनता के होवे पड़े कतौ भ्रष्टाचार नहीं देखाई पड़े तैसे पारदर्शिता के बात कला गेल छै कि यदि हमरा मन में कोनो छल कपट नहीं छै हमरा ओहिमे से कोनो दू पैसा लेबे के नहीं छै तब हम पारदर्शिता के बात करै छी नहीं तो हम पारदर्शिता के बात नहीं करब। यदि हमरा मन में चोर रहत एक करोड़ के टेंडर से हमरा ई रहत कि हमरा एमे से 20 लाख रुपया लेबे के है तो हम पारदर्शिता के बात नहीं करेंगे। पारदर्शिता करे के मतलब अहाँ कोनो बेर में आकर डॉक्यूमेंट देख सके एमे की छै तैसे पारदर्शिता के बात छै सुशासन के बात ओहि ला कैल गेल छै। धरारा के फोटो देखे छी धरारा भूकंप में जे गिर पड़ले इनके कंपनी के निर्माण कैल धरारा हम सब देख रहल छी तो विकास के गति बढ़वा के लेल जे निर्माण ये अनुभवी आदमी के जरूरत पड़े तेनाते
दूटा तीनटा बात और हम कह चाहे छी जोड़ चाहे छी। एकटा धनुषा जिला से सबसे बेसी युवा सब रोजगार के लागी जे अरब जा रहल छथिन। हमर योजना की छे, हमर सबके योजना एमे हम सब की कह चाहे छी कि गुठी के जे 1700 बीघा जमीन छै ओहिमे से 500 बीघा जमीन व्यवसायीकरण के लागी गुठी नगर पालिका के दो। ओ जमीन पर होटल, कल कारखाना, कृषि के लीज पर हम सब आह्वान करबे लगानीकर्ता के कि यही क्षेत्र में आके अहाँ सब लगानी करियौ। यदि 10 फाइव स्टार होटल एठाम खुले छी तो 10 के मतलब भ गेलै 5000 आदमी के रोजगार। तेनाहिते कल कारखाना खुले छी, मॉल के कल कारखाना खुले छी, ओकरा लागि रोजगारी सृजना होतै। तेनाहिते महिला सब जे घर में बैसल रहै छथिन, घर में काज करै छथिन, खाना बनबै छथिन, बच्चा के सेहार सुसार करै, उनका लागि यदि 4 या 5 घंटा के समय बचै छै ओहि समय में की कयल जाय तऽ आर्थिक उन्नति जे जै क्षेत्र के होतै तऽ ओकर स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र के भ जेतै। तै से इंडिया के जे मॉडल छै एकटा लिज्जत पापड़ के मॉडल अपने सब सुनने होबै कि हरेक महिला जाके ओहिठाम 2 घंटा 3 घंटा काम करै छै, ओकरा पारिश्रमिक के रूप में ओकरा पैसा भेटै छै, ओहिसँ ओकर आर्थिक उन्नति होइ छै। हमसब चाहै छी एकटा महिला उद्यमशीलता कोऑपरेटिव के रूप में ओकरा व्यवस्थापन करबै हमसब, ताहिमे जाके हरेक महिला जे फ्री छथिन ओहिमे जाके काज करू, आर्थिक उपार्जन करू, अपन बाल बच्चा के सुहार करू, युवा के भी एहिठाम से विदेश नहि जाय पड़ै, महिला भी अपना परिवार के साथ रहे, ताहि सोच के साथ हमसब आगा बढ़ रहल छी। रहि गेलै लैंडफिल साइट के बात, लैंडफिल साइट में अभी वालिंग में या गोकर्ण में अभी छोटा सा प्लांट लगलिए जे डेली 7 टन फोर महिला के प्रोसेसिंग करै छै, तऽ 7 टन फोर महिला के जे प्रोसेसिंग करै छै ओहिसँ धुआँ नहि निकलै छै। ओहन मशीन लेलकै अभी जैसे खाली ओहिमे से बाष्प निकलै छै, बाष्प निकलि के ओ जे बचै छै ओकरा से 1.5 से 2 क्विंटल डेली ओहिमे से मल उत्पादन करै छै। तऽ हमर सबके कहना है कि ओहि मॉडल के हमसब देख रहल छी, गोकर्णमे एलैए, वालिंगमे एलैए, 2-3 जगह ओहि मॉडल के स्थापना भेलैए जे शहरसँ सफलतापूर्वक सम्पन्न भेलैए। तऽ अगर ओहि मॉडल के स्थापना होइ छै तऽ जै वार्डमे ओहि मॉडल के जै वार्डमे ओकरा लागि कि अगल बगल के नगरपालिका गाँव पालिका जे हमरा सबसे सम्बन्धित है अगर उनको फोर महिला व्यवस्थापन कऽ के ऑर्गेनिक मल के उत्पादन होइ छै ओहिसँ 2 चीज होतै, रोजगारी भी होतै आ मल के व्यवस्थापन भी होतै आ फोर महिला के भी व्यवस्थापन होतै। यदि अहाँ फोर महिला के व्यवस्थापन कऽ लै छी तऽ मच्छर के व्यवस्थापन अपने भऽ जेतै, ताहिसँ ओहि तरफ भी हमसब सोचि रहल छी। दोसर विभिन्न चीज के बारे में बलराम जी कहलखिन हम मेयर पद के उम्मीदवार कि हरेक क्षेत्र में हमसब विज्ञ नहि छी, बहुत विज्ञ सब एहिठाम छथिन, एहि क्षेत्र में बहुत विज्ञ सब छथिन, रिटायर्ड विज्ञ सब छथिन, उनको सेवा लेल जेतै, उनको जनकपुर धाम के वास्तव में प्रदेश के राजधानी के रूप में प्रस्तुत करला, उनका सबके अनुभव के संग्राह का एकटा मॉडल के रूप में जे जनकपुर धाम के प्रस्तुत करय के योजना छै। सब संपूर्ण तैसे कहलिए कि जनकपुर धाम के समग्र विकासक लेल हमर सबके उम्मीदवारी छै। एहि क्षेत्र में अन्य भी जे भी क्रियाकलाप होती जेकरा समेटे के होते आगामी दिन में हम सब समेट के विचार विमर्श कऽ के सलाह कऽ के परिमार्जन कऽ के विज्ञ सबसे परिमार्जन कऽ के आगा बढ़ाएब। दोसर बात कहऽ चाहै छी कि हम बलराम जी कहै छथिन कि राजनीतिक नहि जानै छी, राजनीतिक क्षेत्र के आदमी नहि छी, सामाजिक सेवा सामाजिक क्षेत्र के आदमी छथिन, तऽ समाजे से आदमी राजनीति में जाइ छै आ राजनीति से पावर पॉलिटिक्स में जाइ छै, तऽ पावर में पहले से छथिन, जतऽ से पावर अबै छै तऽ ओतऽ ओ बैठै छथिन, ओहि मंत्री स्तर में बैठै छथिन, ओहि प्रधानमंत्री स्तर में बैठै छथिन आ समाज से भी पहले से छथिन, राजनीति तऽ बुझते छथिन। रहि गेलै हमर बात, हम विगत 40 वर्षसँ 2036 सालसँ नेपाली काँग्रेससँ आबद्ध छी, नेपाली काँग्रेसके विभिन्न कार्यक्रम मार्फत हम अपन राजनीतिक परिचय जगह जगह देने छी, सामाजिक क्षेत्रमे हमर की योगदान छै से अपने सबके मालूमे छै, तऽ राजनीतिकसँ हम अछूता नहि छी, हम ई जानै छी संघ संस्थाके व्यवस्थापन, ओकर निर्माण, ओहि संघ संस्थासँ करयवला कार्य, ओहिठाम करयवला कर्मचारी सबके व्यवस्थापन केना करय पड़ै छै,
ओहिमे हमरा अपन छोट अनुभव जे छै ओहि अनुभव के प्रयोग क के नेतृत्व हुनकर रहतै, हुनका साथ हम सहयात्री के रूप में क्रियान्वयन पक्ष के दलीलो असफलता के साथ सम्पन्न करय में हम हुनका सहयोग करबै, पूर्ण रूप से सहयोग करबै। हमरा सबके बीच में पहले वाला मेयर उपमेयर जका कोनो खटास नहीं हती, सेहो हम अपने सबके कह देबे चाहे छी, अपने सब सुनने होबे। ऐसे पहले जे बजरंग सागे पाला में उपमेयर छलखिन त लाठिए लगे मारने छलखिन बजरंग सागे, अहाँ सब सुनने होबे कि कोनो काज छलै है नहीं कह दै छलै त लाठिए लगे मारने छलखिन, अहाँ सब सुनने छी। त ओहन स्थिति हमरा सबके बीच में नहीं आतै, खाली विकास के बात होतै, राजनीति होती विकास के लागी आ विकास हेबे करते। अहाँ सबके साथ, अहाँ सबके हाथ हमरा सबके साथ दियो, हम सब अहाँ के दुख हमर सुख अहाँ सबके सुख, यह कह अपन दू सब एहिठाम विराम करै छी। धन्यवाद, नमस्कार। जे सलाह ले ओकरा हम सब आगामी जे घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के बाहर अपने सबके सुझाव सलाह के कदर करैत ओकरो परिमार्जित करैत समेट के वो विचार सबके वो अनुभव सबके के कदर करी समेट के हम सब जब प्रारूप में हम सब हमरा सबके ओहिठाम अपने सब बैठा दे वही सब के सम्मान करी हम सब कार्यक्रम के आगा बढ़ाए। प्रतिबद्धता के साथे यो प्रतिबद्धता हम सब सब करे अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए।